दोस्तों, मैं हूं एनके। और दोस्तों, एक बार फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, पार्ट ऑफ सिरिंज। जी हां दोस्तों, पार्ट ऑफ सिरिंज में आज हम सिरिंज जो होती है हमारी, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसके सारे पार्ट्स को जानेंगे और देखते हैं दोस्तों साथ साथ उसके डायग्राम। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को एनके फार्मेसी नॉलेज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आने वाला अच्छा कोई भी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पूरा समझना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छा लगेगा और समझ आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ सिरिंज। जो सिरिंज होती है हमारे, डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं, हमारे सुई लगाते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं समझते हैं। नंबर एक में दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, जो कि 1 ml होता है, जिसमें 10 यूनिट होते हैं। इसी तरह दोस्तों, नंबर टू में इंसुलिन सिरिंज, 1 ml इक्वल टू 40 यूनिट। इसी तरह दोस्तों, थर्ड नंबर हमारा 2 ml, 5 ml और 10 ml, जिसमें IM/IV होता है, इंजेक्शन के रूप। इसी तरह दोस्तों, फोर नंबर में हमारा 20 ml और 50 ml इक्वल टू इन्फ्यूशन पंप, ये जो हमारा ये वाला सिरिंज होता है, 20 ml और 50 ml वाला इन्फ्यूशन पंप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दोस्तों, हमारा पांच नंबर जो है पार्ट्स ऑफ सिरिंज में, हमारा 5 नंबर पे क्या है, टॉमी सिरिंज फॉर ब्लैडर वॉश, मतलब हमारा जो ब्लैडर होता है उसकी धुलाई के लिए टॉमी सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, नीचे में आप देख रहे हैं, मैंने एक सिरिंज का डायग्राम बना दिया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा प्लंजर आता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से हम अपना अंगूठा लगा के इसको पुश करते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हमारा जो एरिया कवर करता है वो पिस्टन होता है। पिस्टन के बाद दोस्तों, आप देख रहे हैं जहाँ पे हम दवाई को, सिरिंज में जितनी दवाई भर जाती है पूरी सिरिंज, उस हम उस वाले एरिया को क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला आता है टॉपिक, जिस तरह से आप देखते हैं, जब डॉक्टर इंजेक्शन या कोई भी दवाई सिरिंज में लेने के बाद जो एयर निकालते हैं, तो ऊपर की ओर एक ब्लैक ब्लैक रबर लगी होती है, जिसको हम एयर टाइट रबर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, लास्ट में हमारा सिरिंज का जो आखिरी पार्ट भाग है, सबसे आगे की तरफ, उसको हम कैनुला कहते हैं। कैनुला दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, लास्ट में मिडिल मतलब आउट वाला बिल्कुल बाहरी भाग है, जिसपे हम डॉक्टर सुई लगाते हैं और उसको इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी पार्ट ऑफ सिरिंज सिरिंज के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।